बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कट। किसको भाई, कौन बांट रहा है? इस देश को तो तुम बांट रहे हैं, इससे पहले भी तुम बांटे। सब में जाति जाति में झगड़ा लगा के आप बांटे। और कटेंगे किससे, कटेंगे आप? ये देश तो एक है, हम सब एक है, कोई फर्क है? अरे नेहरू जी ने इस देश को एक रखा, गांधी जी ने इस देश को एक रखने के लिए गोलियां खाई है, घोड़से जैसे आदमी के तरफ। इंदिरा गांधी ने अपनी जान दी, राजीव गांधी ने अपना जान दिया, आपके पास कोई तो एक जान दिया है। इतना भड़काऊ भाषण देते हैं कि लोगों को मुद्दे से, असल मुद्दों से हटाना और गुमराह करना, ये ज्यादा उनका कोशिश और प्रयत्न है। हम ये बोलते हैं कि आप भड़काते क्यों हो लोगों, सीधा वोट मांगो, अपनी बात रखो, अपना काम रखो। अगर उस काम पे लोग अगर आपसे सहमति है तो लोग वोट देते हैं। मैं राजकारण के लिए नया हूं, नया नहीं, मैं सतत कम से कम ये 53 साल चल रहा है मेरा, 53 ईयर्स चल रहा है, मेरे को थोड़ा सा अनुभव है। और कोई इलेक्शन मैं कम से कम 13 इलेक्शन कंटेस्ट किया, एक इलेक्शन में मुझे थोड़ा धक्का लगा जो 2019, उसको छोड़ के मैं कंटिन्यूसली जीत के आ रहा हूँ, क्योंकि मैं उसूलों पे विश्वास रखता हूँ, आइडियोलॉजी पे विश्वास रखता हूँ। अगर आप आइडियोलॉजी पे विश्वास रख के काम करेंगे, लोग आपको जरूर वोट देंगे। तो ये लोग हर बात हर जगह भड़काना, एक इनका कोई बोलता है बटेंगे तो कटेंगे, कोई बोलता है एक है तो सेफ है। अरे भाई दोनों में डिसाइड कर लो, योगी और मोदी जी, क्या तुम्हारा कोटेशन चलना चाहिए क्या योगी जी का चलना चाहिए? तो परसों मैं सुना, कहीं देखा न्यूज़पेपर में कि आरएसएस के लोग बटेंगे तो कटेंगे, जो योगी का ये अपना स्लोगन है उस स्लोगन को पसंद कर रहे हैं, बोल के आरएसएस ने इसको स्वीकार कर लिया। उनका आरएसएस का मुखिया एक जाकर उनसे बात करने के बाद, अब वो उसके कंपटीशन में ये लोग अलग स्लोगन दिए, एक है सेफ है। ठीक है भाई, अब थोड़ना कौन चाहते हैं, क्या हम सब द्रोही है? क्या हम देश को एक नहीं रखना चाहते? अरे हम देश को एक रखने के लिए तो हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपनी जान बिछावर कर दिए, अपने जान हमने खो लिया बड़े बड़े नेताओं को। और महात्मा गांधी जी को किसने मारा? अब बोलिए, मारने वाले भी आप, बांटने वाले भी आप, और दोष दूसरों पे देते हो। बांटते भी आप ही हो, काटते भी आप ही हो, और दूसरों को मारते भी आप ही हो, और कहते ऊपर से बटेंगे तो कटेंगे। तो दोस्तों आप इसी के ऊपर समझिए कि लोग देश को एक रखने वाले ये बात कभी नहीं बोलते। हम एक हैं, देश के
एकता के लिए सभी लोग अपनी जान देने वाले हैं। क्या इंदिरा गांधी जी ने अपनी जान नहीं दी देश के एकता के लिए? क्या राजीव गांधी जी ने अपनी जान नहीं दी देश के एकता के लिए? आपके पास कौन ऐसा महापुरुष है मुझे बताओ, देश के लिए एकता के लिए अपनी जान दिया है?